हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के हम आपको बॉलर दक्षता के बारे में बॉलर एफिशिएंसी तो उसमें क्या है। बॉलर दक्षता भाप जलन में प्रयुक्त वास्तविक ऊष्मा तथा इस अवधि में ईंधन दहन से उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होता है। बॉलर दक्षता को दो विधियों द्वारा मापा जाता है। नंबर एक क्या है हमारी प्रत्यक्ष विधि, और नंबर सेकेंड क्या है हमारे अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, जहाँ पर दक्षता ऊर्जा इनपुट तथा हानियों का अंतर है। तो बॉलर दक्षता की गणना को दो विधियों में बांटा गया है, एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। तो इसकी क्या है हम प्रत्यक्ष विधि देख लेंगे। इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, इस विधि को इनपुट आउटपुट विधि भी कहते हैं, क्योंकि दक्षता की गणना करने के लिए हमें उपयोगी आउटपुट तथा ऊष्मा इनपुट की आवश्यकता होती है। बॉलर दक्षता इक्वल टू ऊष्मा आउटपुट अपॉन ऊष्मा इनपुट इनटू 100। बॉलर दक्षता निकालने के लिए निम्न पैरामीटरों को ध्यान रखा जाता है। नंबर एक, प्रति घंटा कितनी भाप उत्पन्न हो रही है। नंबर सेकेंड, प्रति घंटा ईंधन की खपत क्यों किलोग्राम पर हर्ट्ज, कार्यकारी दाब किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर काट दिए तथा उसमें अति ऊष्मक ताप मान 0 डिग्री सेल्सियस, फिर जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, ईंधन का प्रकार तथा कुल क्लोरोफिक मान ईंधन का GCV। तो बॉलर दक्षता ईटा इक्वल टू क्यू इंटू एन तफिस मिली माइनस एच एफ अपॉन जी इंटू जी सी वी इंटू 100। तो एच जी क्या है, यहाँ पर एच जी है हमारा संतृप्त भाप की तापीय धारिता, और एच एफ है फिल जल का तापीय धारिता। क्या था हमारा प्रत्यक्ष विधि के लाभ, प्रत्यक्ष विधि के अलावा संयंत्र के कर्मचारी आसानी से तथा जल्दी दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। नंबर से गणना के लिए कम पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है। नंबर तीन के मॉनिटरिंग के लिए नए उपयंत्र की आवश्यकता, और हानियाँ क्या है इसकी, दक्षता कम होने पर आउटपुट को दक्षता कम होने के कारण पता नहीं चलता। नंबर सेकेंड, दक्षता को ज्ञात करने के लिए विभिन्न हानियों की गणना करना मुश्किल है। आप प्रत्यक्ष विधि देख लेते हैं, इसमें क्या है, तो इसमें क्या है डायरेक्ट मेथड। आप प्रत्यक्ष विधि को ऊष्मा हानि विधि भी कहते हैं। इस विधि में दक्षता को ज्ञात करने के लिए हानि वाली ऊष्मा हानियों के भाग को 100 से घटाया जाता है। इस विधि में ब्लो डाउन हानियों को नहीं जोड़ा जाता है, या इसमें ब्लो डाउन आने। अब इसके बाद क्या आता है, बॉलर में हानि होने वाली मुख्य हानियाँ। नंबर एक, सूखी फ्लू गैसों द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि, ईंधन तथा दहन वायु में नमी के कारण होने वाली ऊष्मा हानि, हाइड्रोजन का दहन होने के कारण होने वाली ऊष्मा हानि, विकिरण के कारण होने वाली ऊष्मा हानि, न जलने के कारण होने वाली ऊष्मा हानि, उपरोक्त में ईंधन में नमी के कारण हानि तथा हाइड्रोजन का दहन होने के कारण हानि ईंधन पर निर्भर करती है तथा इन्हें डिजाइन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा बॉलर दक्षता निकालने के लिए निम्न डाटा की आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक, ईंधन को पूर्ण रूप से विश्लेषण, H2O2SC नमी सामग्री रहा सामग्री, फ्लू गैसों में ऑक्सीजन तथा CO2 की प्रतिशत, फ्लू गैसों का तापमान 0 डिग्री TF, जरूरी तापमान 0 डिग्री, वायु में नमी किलोग्राम पर किलोग्राम, सूखी वायु का ईंधन की GCV, KCL, राख में दहन का प्रतिशत, ठोस ईंधन के लिए राख की GCV किलोकैल पर KG, ठोस ईंधन के लिए है। तो ये हो गया हमारा बॉलर दक्षता, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बॉलर दक्षता। और अब क्या है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बॉलर में ऊर्जा संरक्षण। तो इसमें क्या है, बॉलर में ऊर्जा संरक्षण, तो बॉलर में ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें क्या है, बॉलर में ऊर्जा संरक्षण, तो इसमें क्या है, सही ईंधन फायरिंग उत्पन्न का चुनाव करें, जैसे कि बर्नर, यांत्रिक स्टोव और बर्नर टिप पर ईंधन ऑयल का तापमान और दाब निर्माता द्वारा बताए गए मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। नंबर थर्ड क्या है, बर्नर तथा सहायक
यंत्रों में होने वाले विकिरण हानियों को कम करें थर्मल विद्युत रोधी में सुधार करके। नेक्स्ट क्या है, भरण जल को भरण तक पहुँचाने की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव कम हो तथा भरण जल को पहले गर्म करें। नेक्स्ट क्या है, बॉयलर के अंदर उपयोग होने वाली पावर तथा भाप की जांच करें ताकि लीफ बल्ब व अन्य फिटिंग से निकलने वाली भाप को कम किया जा सके। ईंधन खपत भाप उत्पादन तथा संचालन के लिए मीटर होना चाहिए तथा इसका रखरखाव सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, फ्लू गैसों का निरीक्षण करें तथा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के प्रतिशत को कम करें। कोल ज्वालन में प्रतिधारित वायु का दाब सही होना चाहिए तथा कोयले की मोटाई एक समान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या, भरण जल को गर्म करने के लिए अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्त का उपयोग करना चाहिए तथा रिक्यूपरेटर तथा इकोनोमाइजर के द्वारा दहन वायु का उपयोग करना चाहिए और वायु रिसाव से बचें तथा अधिक गैस से बचें। और नेक्स्ट क्या है, ऊष्मा हस्तांतरण सतह को साफ रखें तथा के उस पर कालिक ना जम जाए। तो योगी हमारा ऊर्जा संरक्षण। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है कोयला फायरिंग में असंतुलित राख को कम करने का प्रयास करें। मतलब कोयला राख में जो है असंतुलित राख को कम करने का हम उसका प्रयास करें। और क्या है, लोक को स्थिर करने के लिए गति फीट और वायु आपूर्ति को समायोजित करें। क्या है, फीड वायु आपूर्ति को समायोजित करें। नेक्स्ट हमारा अस्थर लो ना बनने दें तथा सतह पर लगने वाली लो को फेंकने ना दें, लो को फैलने ना दें। क्या है, इसमें सतह पर लगने वाली लो को हम क्या है उसको फैलने से रोकें। नेक्स्ट हमारा ऊष्मा अंतरण सतह पर 3 मिलीमीटर मोटी काली की परत जमने से ईंधन की खपत में 2.5% की वृद्धि हो सकती है। तो इसमें क्या है, अगर 3 मिलीमीटर मोटी काली की परत जमने से ईंधन की खपत में क्या है 2.5% की वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, बॉयलर में उत्पन्न होने वाली फ्लू गैस हानि विकिरण हानि अधूरा दहन अधिक वायु की देखरेख की जानी चाहिए। इसके लिए इसके कारण ईंधन की खपत में 20% तक की कमी आ सकती है। क्या इसके कारण क्या है, ईंधन में कितनी कमी आ सकती है, इसके कारण हमें क्या है ईंधन में 20% की कमी भी देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा, तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से देख लेंगे। इसमें क्या कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जैसे कोयला फायरिंग में संतुलित राख को कम करने का प्रयास किया जाता है, तो लोगों को स्थिर करने के लिए गति फीड और वायु आपूर्ति को समायोजित करें। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि लोगों को फीड करने के लिए किसकी आपूर्ति का समायोजन करें, तो गति और वायु का समायोजन करें। ऐसी आस्थल लो ना बनने दें, सतह पर लगने वाले लोग को फैलने न दें। उसमें अवतरण सतह पर 3 मीटर मोटी काली की परत जमने से ईंधन की खपत में 2.5% वृद्धि हो सकती है। तो हम तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि काली की परत जमने से ईंधन की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। तो ये ऑब्जेक्टिव बन गया ना, क्या तो हम उसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5 हो सकती है। तो इसी प्रकार से आप लोग को अच्छे से देखेंगे इसके कारण ईंधन की खपत में 20% की कमी आ सकती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि ईंधन की खपत में कितनी कमी आ सकती है, क्या है 20%। तो ठीक है, ये अच्छे से देख लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। क्या है, हमारा चैप्टर नंबर 6 चला है। इसकी पहली क्वेरी मैंने आपको दे दी है, और क्या नेक्स्ट।